हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। सीबीएसई की सभी लेटेस्ट जानकारी के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सीबीएसई के सभी लेटेस्ट जानकारी देने की कोशिश करता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन के द्वारा जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। देखिए, आज मैं बात करूंगा क्लास 9th के हिंदी के पेपर की, जो सीबीएसई ने कौन कौन से बदलाव करे हैं, क्योंकि आपने भी न्यूज में सुना होगा कि 2019 और 20 का जो पेपर होगा वो बहुत सारे चेंजेस होकर आएंगे। तो सीबीएसई ने इस बार कौन कौन से चेंजेस किए ये मैं आपको बताने वाला हूँ। जो स्क्रीन पर आपके सामने पीडीएफ फाइल है, ये सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपलोड कर रखा है, तो मैं इसका आपको लिंक दे दूंगा ताकि आप भी अपलोड कर सको, आप भी उसे जान सको। तो मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि पेपर आपका कैसा आएगा, हिंदी का पेपर क्लास 9th का। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा अपठित गद्यांश। ये अपठित गद्यांश 8 मार्क्स का होगा, आपका पहला क्वेश्चन होगा। इस 8 मार्क्स में पहले 1-1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे और फिर 2-2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे। इट मीन्स 5 क्वेश्चन होंगे 1-1 मार्क्स के, फिर 2-2-2 मार्क्स के, टोटल मिला के 8 नंबर का पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा होगा अपठित काव्यांश होगा, कविता होगी बुक के बाहर की, ये आपके 7 मार्क्स का होगा। इसमें 1-1-1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे और 2-2 मार्क्स के 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, टोटल मिला के 7 क्वेश्चन हो गया। यानी फर्स्ट पार्ट में अपठित गद्यांश और सेकंड क्वेश्चन आएगा अपठित काव्यांश। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, व्याकरण की बात करें, तो सबसे पहले आपका आएगा उपसर्ग। उपसर्ग आएगा आपके 2 नंबर के लिए, उपसर्ग 2 मार्क्स के लिए होगा। फिर आपका आएगा प्रत्यय, प्रत्यय आपके 2 मार्क्स का होगा। फिर आपका आएगा समास, समास होगा आपका 3 मार्क्स का। उपसर्ग 2 मार्क्स का, प्रत्यय 2 मार्क्स का और समास 3 मार्क्स का। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, तो आपका आएगा अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। देखिए, आपको रचना की दृष्टि से वाक्य भेद नहीं करने, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद करने, ये आपके 4 मार्क्स का पेपर में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो आपका आएगा अलंकार। ये इसी पैटर्न से आएगा जिस पैटर्न से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपके पेपर में अलंकार आएगा, अलंकार आपके 4 मार्क्स का होगा। अलंकार भी आपको कौन कौन से करने हैं, ये दिया हुआ शब्द अलंकार 3 करने, अनुप्रास, यमक और श्लेष, यही 3 अलंकार करने हैं। और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, ये अलंकार आपको करने हैं। अलंकार के नाम भी दिए हुए हैं, केवल आपको यही अलंकार करने हैं। 4 मार्क्स का आपका अलंकार होगा। उसके बाद बुक की बात करें, तो सबसे पहले बुक में आपकी बात करें क्षितिज, तो क्षितिज से एक गद्यांश आएगा, यानी आपने जो चैप्टर पढ़े हैं उसमें से गद्यांश आएगा, वो 5 मार्क्स का होगा। 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 1-1 मार्क्स का। तो क्षितिज वाली बुक में से आपके एक गद्यांश आएगा 5 मार्क्स के। उसके बाद आप देखोगे तो क्षितिज का दोबारा काव्यांश आएगा, एक क्षितिज के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन होंगे आपके जो होंगे 2 क्वेश्चन होंगे 4-4 नंबर के। जो क्षितिज की बुक है उस बुक पूरे बुक में से आपके 2 क्वेश्चन होंगे 4-4 मार्क्स के, ये 8 मार्क्स का हो गया। उसके बाद बात करें क्षितिज के काव्य खंड की, जो कविता वाला भाग है, तो आप देखोगे क्षितिज की कविता में से एक काव्यांश आएगी, वो 5 नंबर की होगी। उसमें भी 2-2-1 यानी 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर का और 1 क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। क्षितिज की कविता की बात करें तो क्षितिज की कविताओं में से भी 2 क्वेश्चन आएगा, क्षितिज की जो कविता है उसमें से भी 2 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के, तो ये 8 नंबर का होगा। तो उसके अलावा बात करें तो आपकी दूसरी बुक है कृतिका, कृतिका में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, कृतिका की बुक में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, 4 नंबर के लिए आएगा। तो कृतिका में केवल इतना ही आ रहा है, 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, 4 नंबर का। उसके बाद आते हैं लेखन पे, तो लेखन में सबसे पहले आपके पेपर में आएगा तीन विषयों पर निबंध आएंगे, लेकिन आपको तीनों में से कोई एक करना है। तीन निबंध आएंगे, तीनों में से कोई एक करना है, और खासकर निबंध करना जो समसामयिक घटना है, मतलब जो करंट अफेयर होती है उनसे संबंधित आपको जो निबंध की तैयारी करके जानी है। तीन निबंध आएंगे, तीनों में से आपको कोई एक करना है, यह आपका आएगा 10 मार्क्स का, 10 नंबर का निबंध आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आएगा, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आएगा 5 नंबर का। और लास्ट क्वेश्चन आपके जो होगा वो है संवाद लेखन, संवाद लेखन पढ़ के जाना, ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो टोटल पेपर आपको अगर ओवरऑल समझना है तो आप इस जो नीचे लिंक दे दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने मोबाइल के में इसे सेव करके रख भी सकते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिए ताकि मैं आगे आपको और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। थैंक यू।